नमस्कार फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि विश्व की जो 7 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों को हमने रैंकिंग के आधार पे उसे रैंक्ड किया था। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था को यदि निजी और सरकार की भूमिका के आधार पे विभाजित किया जाए तो इनके 3 श्रेणियाँ होंगी। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 श्रेणियों को समझेंगे। तो यदि सरकार की गवर्नमेंट की भूमिका के आधार पे देखें या फिर प्राइवेट निजी क्षेत्र के भूमिका के बारे के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें पहली जो श्रेणी है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं। दूसरी जो श्रेणी है वो है स्टेट इकोनॉमी, इसे हम राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरी जो श्रेणी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन तीनों अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे हम बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है इसे समझते हैं। देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपूर्ति उत्पादन और कीमत, इन तीनों पर जब कोई अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें ये जो टर्म्स होंगे ये इंक्लूड होंगे। आपूर्ति वहाँ की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा या कीमत तय किया जाएगा बाज़ार में किसी वस्तु का, गुड्स एंड सर्विस का। कीमत किसका तय होगा? तो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इन तीनों पर यदि मार्केट का नियंत्रण है, तो इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये कोई गुड्स है, ये कोई वस्तु है और इस गुड्स का एक प्राइस है, सपोज मान लेते हैं ₹55, ठीक है। तो ये गुड्स ₹55 में मिल रहा है, परंतु सडनली इस गुड्स का जो डिमांड है, सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। परंतु इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो आपूर्ति थी, जो सप्लाई था, सप्लाई नहीं हो पाता है। जितना डिमांड था उसके अनुसार सप्लाई नहीं हो पाता है, सप्लाई क्या हो जाता है यहाँ पे, कम हो जाता है। तो मार्केट में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि इस वस्तु की कमी हो जाएगी, ये जो पर्टिकुलर गुड्स है इसके सप्लाई में कमी हो जाने की वजह से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी क्या हो जाएगा, हाइक करेगा। तो प्राइस काफ़ी हाइक करने की वजह से ये जो मार्केट देख रहे हैं आप, ये मार्केट ऑटोमेटिकली इस गुड्स के प्राइस को क्या करेगा, फिक्स करने का काम करेगा। अगर सपोज वो $55 में मिल रहा था तो मार्केट के अनुसार डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई
और कम हो जाने की वजह से इसका प्राइस हो सकता है कि 95 रुपीज़ हो जाए। तो हम यहाँ पे इस तरह के कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस पे फुल कंट्रोल मार्केट का होता है। मार्केट में कैसा सिचुएशन है और किस तरह की डिमांड्स हैं, उसकी सप्लाई क्या है, तो इस पे फुल्ली ये डिपेंड करता है। इस पे गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। तो ये था हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी। एक नोट पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे कि जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, कैपिटल इकोनॉमी, इसकी शुरुआत जो इसका ओरिजिन एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक 1776 एडी में प्रकाशित हुई थी। तो जो कैपिटल इकोनॉमी की जो शुरुआत हुई, वो इनकी पुस्तक, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से इसका ओरिजिन माना जाता है। इसके अलावा एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। यदि हम फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वो थे पी वी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और अर्थशास्त्र का जनक पूरे विश्व में एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड वाले इकोनॉमी में, जिसे हम बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था, इसे हम कहते हैं स्टेट इकॉनमी। राज्य अर्थव्यवस्था में यहाँ पे राज्य का तात्पर्य राज्य से नहीं है, यहाँ पे जो राज्य का तात्पर्य है वो किसी कंट्री से है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य को हम वो स्टेट नहीं समझेंगे, ये कंट्री से रिलेटेड है, इसका अर्थ कंट्री होता है। तो अगर हम राज्य अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं, तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई और प्राइस, ये तीनों पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल होता है। अर्थात किसी भी वस्तु के या सर्विसेज के उत्पादन में या उसके सप्लाई में या फिर उसके प्राइस के निर्धारण में पूर्णतः गवर्नमेंट का सक्रिय भागीदारी होता है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करके रखती है। तो इस तरह के जो इकोनॉमी होते हैं उसे हम राज्य इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इस तरह के इकोनॉमी में मैंने बताया कि गवर्नमेंट की जो है पूर्ण भागीदारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि रेलवे में आप देखे होंगे, अभी तो खैर रेलवे में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी आ गई है, लेकिन 1947 के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रेलवे में जो गवर्नमेंट की भागीदारी पूर्णतः होती थी 100%। तो अगर रेलवे का फेयर कितना होगा, रेलवे की टाइमिंग क्या होगी, रेलवे में कितने एम्प्लॉइज़ नियुक्त होंगे, ये सभी चीज़ों को, इन सभी फैक्टर्स को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट कंट्रोल करता है तो इस तरह के जो अर्थव्यवस्था है उसे हम स्टेट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अगर स्टेट इकोनॉमी की हम ओरिजिन की अगर बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो स्टेट इकोनॉमी इसे हम दो खंडों में विभाजित करते हैं। एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था,
और दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये दो खंडों में इसे विभाजित किया गया है, स्टेट इकोनॉमी को, एक साम्यवादी और एक समाजवादी। इसे हम बोलते हैं कॉम्युनिस्ट इकोनॉमी, और इसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये दोनों में बेसिकली थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही स्टेट इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन दोनों तरह के जो इकोनॉमी हैं, इनमें गवर्नमेंट की पूर्ण हिस्सेदारी होती है, पूर्ण कंट्रोल होता है उस देश में। यहाँ पे अगर हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट की भागीदारी तो होगी, लेकिन वो थोड़ा फिरोशियस वे में, मतलब थोड़ा उग्र रूप में होगी। ये जो भागीदारी होगी थोड़ा उग्र रूप में होगी, और उग्र रूप में होने की वजह से ये जो इस तरह के इकोनॉमी के में जो देश की जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट तंत्र है, वो थोड़ा डिक्टेटरशिप की तरह हो जाता है। जैसे कि हम चाइना में अगर देखते हैं, तो चाइना में इस तरह की इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। चाइना में जो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, या भी कोई भी आप प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है। गवर्नमेंट उसे अपने अनुसार जो है मैनेज कर सकती है, या जो भी है वो अपने अनुसार अपने फेवर में उसे रूल के अनुसार बना सकती है। जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, परंतु इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज का कल्याण करना। इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी होती है। इसमें गवर्नमेंट की क्या होती है? भागीदारी। और इसमें गवर्नमेंट का क्या होता है? नियंत्रण होता है। इसमें कंट्रोल होता है, इसमें पार्टिसिपेशन होता है। अब कंट्रोल नियंत्रण में जब कोई चीज़ होगा, तो वो थोड़ा उग्र रूप में प्रकट होगी। लेकिन अगर भागीदारी है, अगर पार्टिसिपेशन है, मतलब ये कि गवर्नमेंट साथ साथ मिल करके इस तरह का समाज कल्याण के हित में जो है इस तरह के काम करेगी, जिससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इस तरह की इकोनॉमी हम देखते हैं रशिया में इस तरह की इकोनॉमी जो है पाई जाती है। तो इस तरह के इकोनॉमी में हमने देखा कि समाज का कल्याण को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, और इस साम्यवादी इकोनॉमी में हमने देखा कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिससे वो एक डिक्टेटरशिप का उसमें झलक देखने को मिलता है। अगर हम स्टेट इकोनॉमी की अगर बात करें और थोड़ा डिटेल में अगर जाते हैं, तो स्टेट इकोनॉमी की जो शुरुआत है वो कार्ल मार्क्स, ये जर्मनी के एक इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसफर थे, तो इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया स्टेट इकोनॉमी का। और स्टेट इकोनॉमी आने की मुख्य वजह ये थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से लोगों का शोषण प्रारंभ हो गया था। इसमें लोगों का जन कल्याण ज़्यादा नहीं हो रहा था। इसमें जो अमीर हैं, ये उनके हित में सभी जो है चीज़ें जा रही थी, जिसकी वजह से जो है स्टेट इकोनॉमी की जो है कॉन्सेप्ट सामने आई। और कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने पुस्तक में रखा। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक फिलोसफर थे। इस तरह की इकोनॉमी को हम केंद्रीकृत नियोजित या गैर बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीकृत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे जो गवर्नमेंट होती है उसका नियंत्रण होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। नियोजित इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्लान्ड रूप से इस तरह की इकोनॉमी को चलाया जाता है। मार्केट कैपिटल इकोनॉमी में हमने देखा कि इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। ये जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस है और डिमांड है, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली जो है प्राइस
मार्केट निर्धारित कर देता है, लेकिन इस तरह की जो इकोनॉमी है एक प्लान्ड इकोनॉमी है, इसमें या तो डिमांड बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट जो है पब्लिक के सहूलियत के अनुसार प्राइस को रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का फेयर हम देखते हैं कि बहुत ही रेयरली जो है बढ़ाया जाता है, चाहे महंगाई कितना भी वो इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ट्रेन का फेयर भी बढ़ गया, वो बहुत ही रेयरली और बहुत ही न्यून मात्रा में बढ़ाया जाता है। तो ये एक क्या होती है, प्लांट होती, नियोजित होती है, और गैर बाजारी इसलिए होती है क्योंकि इस पर बाज़ार का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये हमने देखा स्टेट ऑफ इकोनॉमी के जो टाइप्स है, साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को। अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। थर्ड नंबर है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि नाम है मिक्स्ड, इसमें स्टेट प्लस कैपिटल दोनों इकोनॉमी का इसमें मिश्रण होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, और इसमें कुछ हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट की भी होती है, कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट या निजी कंपनी की भी होती है, निजी क्षेत्र के लोगों की भी होती है, तो दोनों मिल करके इसे चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में अगर हम देखते हैं बुलेट ट्रेन की, तो भारत में बुलेट ट्रेन जो है इसमें गवर्नमेंट की भी कुछ हिस्सेदारी है, और जो है इसके अलावा ये जो प्राइवेट है प्राइवेट की भी हिस्सेदारी। मेट्रो ट्रेन जितना है वो इसी कंसेप्ट पे निर्भर करता है, आधारित है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि भारत में बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स पाए जाते हैं, जितने भी कॉरपोरेट्स होते हैं, या फिर आप देख सकते हैं जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है, और प्लस में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके भी लोग इसमें मौजूद होते हैं। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है जिसमें स्टेट की यानी गवर्नमेंट की और कैपिटल मतलब प्राइवेट सेक्टर्स दोनों की मिला जुला हिस्सेदारी हो, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें भारत जैसे देश में ये इकोनॉमी पाया जाता है, आप मलेशिया में ये देख सकते हैं, मलेशिया में इस तरह की इकोनॉमी होती है। इसके अलावा और भी कंट्री है जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में इस तरह की इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक और इकोनॉमी है, ये कोई अलग टाइप नहीं है, इसे हम कभी कभी क्लोज्ड इकोनॉमी नॉमी भी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही नहीं किया जाए, वैसा देश जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, सपोज ये कोई देश है, इस देश में ना ही कोई गुड्स इसके सीमा के अंदर आ रहा है ना ही कोई गुड्स सीमा से बाहर जा रहा है, तो इस तरह का जो इकोनॉमी है इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। ये इस तरह के जो देश होते हैं लगभग इनमें देखा जाता है ये ज़्यादा डिक्टेटरशिप यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप होने की वजह से, तानाशाही होने की वजह से ये यहाँ के जो रूलर हैं, जो शासक हैं, वो वहाँ की जनता को, आम जनता की जो जनता है वहाँ के जो लोग हैं उनको ये डिक्टेटर्स बाहर की दुनिया से काट करके रखना चाहते हैं, मतलब भारत की दुनिया से उनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना देना चाहते हैं, ताकि उनकी तानाशाही जो है कंटिन्यूस रूप से चल सके। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, और ये इकोनॉमी आपको मुख्यतः नॉर्थ कोरिया इज़राइल उसके बाद आप लीबिया वगैरह में जो साउथ अफ्रीका कंट्री है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी। दो अर्थशास्त्री एक थे
प्रोफेसर लॉन्ज, एक थे प्रोफेसर केन्स। केन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ये भी लॉन्ज भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो लॉन्ज का कहना था कि हमें जो है वो स्टेट इकोनॉमी से पूंजीवादी इकोनॉमी की ओर बढ़ना चाहिए। इनका कहना था कि अगर कोई स्टेट इकोनॉमी है तो उसे प्रयास करना चाहिए कि वो कैपिटल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो। यही इसके ओपोजिट में केन्स ने कहा कि नहीं, अगर कैपिटल इकोनॉमी कहीं है तो उन्हें उसे स्टेट इकोनॉमी की ओर जाना चाहिए। केन्स का कहना ये था, सिंपली हम ये कह सकते हैं केन्स ने स्टेट इकोनॉमी को बेहतर माना, इसलिए वो कह रहे हैं कि कैपिटल से हमें शिफ्ट होना चाहिए स्टेट की ओर। वहीं लॉन्च कहते हैं कि स्टेट से हमें कैपिटल की ओर शिफ्ट होना चाहिए। तो ये था हमारा तीनों इकोनॉमी का जो टाइप्स है स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में सेक्टर्स, जो सेक्टर्स हैं वो क्या हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।